पिता से पति के घर। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु के कारण यमुना नदी जोर से चढ़ी हुई थी। पानी का बहाव और आवाज बहुत तेज थी। यमुना के किनारे ही बादशाह अकबर का महल था, जहां बादशाह अकबर सोए हुए थे। रात के वक्त चारों ओर घना सन्नाटा था। अचानक ही आधी रात में बादशाह की नींद खुल गई। बादशाह को काफी कोशिश करने के बाद दोबारा नींद नहीं आ सकी। बादशाह उठकर चहलकदमी करने लगे। बादशाह अकबर सोच में गुम नदी की आवाज सुन रहे थे। उन्हें अचानक ही ऐसा लगा मानो नदी रो रही है। ये सोचकर वे दोबारा सोच में मग्न होकर खुद से कहने लगे कि ये नदी क्यों रो रही है। इसके बारे में वे जितना सोचते उतना ही उलझते जाते। आखिर वे परेशान होकर बिस्तर पर लेट गए। अगले रोज बादशाह अकबर वक्त से पहले ही दरबार में जा पहुंचे। बादशाह ने दरबारियों से एक एक करके सभी से ये प्रश्न किया, नदी क्यों रोती है? किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं सूझ पाया। बादशाह को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहां बीरबल के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो बादशाह को उनके सवाल का सही जवाब देता। इस वक्त बीरबल दरबार में नहीं थे। बादशाह अकबर ने अपने नौकरों को भेजकर बीरबल को बुलवाया। बादशाह ने बीरबल के आने पर उनसे भी यही प्रश्न किया। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का उत्तर तो मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुन लूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ तो मैं तुम्हें रात में सुनवा सकूंगा। जब रात में सारा शहर सो गया तो बादशाह ने बीरबल को अपने महल की खिड़की के पास ले जाकर वो आवाज़ सुनवाई और इसका कारण पूछा। बीरबल समझ गए कि नदी की आवाज़ सुनकर ही बादशाह ने उसे नदी का रोना समझ लिया है। बीरबल ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, जहाँपना, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र की ओर जा रही है, जिसकी जुदाई की वजह से रोती जा रही है। अपने पास पड़ोसियों की जुदाई का ख्याल करके ही वो रो रही है। बीरबल के उत्तर को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए।